असलकुम नज़ला ज़ुकाम बहार से मुतासर जानदारों की छाती में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या आँखों में अमले तोलीद मतदी व बाईमर्स का शिकार हो या अमले तनफस में इन्फेक्शन हो जाए तो बिला ताहिर डसीसाइकिल इस्तेमाल करवा के जानदार को सेहतियाब करें करीबी मेडिकल स्टोर से वाइब्रामाइसिन के नाम से डॉक्सीकलिन हाइकलेट कैप्सूल खरीदें या गोलियाँ एक्जीडॉक्स के नाम से मैसर डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स लें या किसी और ब्रांड नाम से लेकिन तरीका इस्तेमाल और मकदार के हवाले से मुकम्मल ज़िम्मेदार रहें मतासरा जानदारों का ओस जिसमानी वज़न आधा किलोग्राम के लगभग या आधा किलो से कम है तो दस मिलीग्राम डॉक्सीसाइकलिन कैप्सूल या टेबलेट दें और अगर मुतासर जानदारों का उस जिसमानी वज़न एक किलोग्राम के लगभग या इससे ज़्यादा है तो 20 से 25 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल या टैबलेट दे सकते हैं अब अगर आपको डॉक्सी टैबलेट या कैप्सूल्स 100 मिलीग्राम वाले दस्तियाब होते हैं तो 10 मिलीग्राम 20 या 25 मिलीग्राम की पेमाइश सब के लिए आसान नहीं इजाफी वक़्त और स्केल्स वग़ैरह दरकार होंगे लिहाजा अच्छी हमत अमली ये रहेगी कि जानदारों में इस्तेमाल होने वाले एक लीटर पानी के हिसाब से एंटीबायोटिक की मकदार रखी जाए या एक टैबलेट कैप्सूल के हिसाब से पानी की मकदार रखें मतलूबा मकदार में जानदारों को पिलाएं और बकिया पानी ज़ाया कर दें अगर आपके पास छोटी उम्र के दस जानदार हैं तो एक लीटर पानी में एक कैप्सूल या एक टैबलेट शामिल करें और अगर बड़ी उम्र के दस जानदार हैं तो तीन लीटर पानी में दो टैबलेट्स या दो कैप्सूल्स शामिल करें रोज़ाना आठ घंटे लगातार पाँच दिनों तक इस्तेमाल करवाएं अगर आठ घंटों के बाद कुछ पानी बचे तो उसे ज़ाया कर दें और फिर से ताज़ा पानी भरें डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट को ख़ुराक में शामिल करके भी मतरा जानदारों का जुज्व बदन बना सकते हैं और वजरिया ड्रापर भी दस छोटी उम्र के चिकन्स के लिए आधा किलो गज़ा में एक टैबलेट और दस बड़ी उम्र के परिंदों के लिए एक के जी फीड में दो टैबलेट्स खुराक में मिक्सिंग से पहले मतलूबा मकदार में टैबलेट को इस तरह से क्रश कर लें पीस लें पाउडर बना लें लगातार पाँच दिनों तक रोज़ाना पहली गज़ा में शामिल करके दें मौसमियाती शद्दत जानदारों के मदाफ़ती निज़ाम को कमजोर करने की एक आम वजह है और जैसे ही मदाफती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगे तो जानदार मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जद में आ जाते हैं मतासरा परिंदों को इन अलग अलग मज़र सेहत जरसूमों से नजात दिलवाने के सिलसिले में बड़ी पैकिंग खरीदने के बजाय इस टैबलेट या कैप्सूल को भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है डॉक्सीसाइकलिन उन दवाओं की गलास में शामिल है जिन्हें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का नाम दिया जाता है यानी डॉक्सीसाइक्लिन एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया की नशोनमुमा की रोकथाम के हवाले से मौसर है बैक्टीरिया के अलावा कुछ पैरासाइट्स की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस के इलाज मुआवजा के सिलसिले में भी डॉक्सीसाइक्लिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं जिन परिंदों के जिसमानी दर्जा हरारत में किसी भी वजह से इजाफा हो जाए मतलब बुखार हो तो उन्हें डिस्प्रीन इस्तेमाल करवा के भी सेहतियाब कर सकते हैं जिसमानी टम्परेचर नॉर्मल करवा सकते हैं चिकन्स छः घंटों में एक लीटर पानी पीते हैं तो इस एक लीटर पानी में डिस्प्रीन की दो टैबलेट शामिल करें और बुहार में मुब्तला परिंदों को पीने के लिए दें यह एक बेहतरीन किस्म की एंटीबाइटिक दवा है बतौर मतबादल पैनाडॉल पैरासीटामोल वगैरह इस्तेमाल करवाएं इस्तेमाल में लाने से पहले तरीह तनशीश यानी एक्सपायरी डेट लाजमी देखें डिस्प्रीन इस्तेमाल करवाने से तीन दिन पहले और इस्तेमाल करवाने के तीन दिन बाद के दुरानिया में दीगर अद्वियात एंटीबायोटिक्स डिवर्मर यानी क्रम कुश दवा या वैक्सीन इस्तेमाल न करवाएं। दुराना इस्तेमाल मुकम्मल एहतियात बरतें टेबलेट के साथ इन्फेक्शन न लगने पाए लगातार तीन दिनों तक डिस्प्रीन पानी में हल करके रोजाना छः घंटों तक पानी और सालोबल एस्पेरिन का महलूल मुता जानदारों को पिलाएं तेज़ बुखार नज़ला ज़ुकाम की वजह से बंद नाक को खोलने नज़ाम तनाफस के ऊपर वाले हिस्से से एलर्जी का हात्मा करने मुंह नाक के अंदर सोजश में कमी लाने नज़ला ज़ुकाम के शिकार परिंदों में आलाम की शिदत कम करने फ्लू और बुहार से राहत दिलवाने के सिलसिले में फोर्ट गोलियों का इस्तेमाल भी मुस्बत नतारज देता है फोर्ट ईब्यूब्रोफिन और सूडो एचसीएल एच सी एल का मकब है यानी हर गोली में चार सौ मिलीग्राम ईब्यूब्रोफिन और सूडो एचसीएल एच सी एल साठ मिलीग्राम मौजूद हैं फोर्ट गोलियों की पोल्ट्री बर्ड्स के लिए मकदार और तरीका इस्तेमाल बगौर समझें जैसे ही जानदार में नज़ला ज़ुकाम दर्द बुहार फ्लू मुख्तलिफ़ हिस्सों की सोजश जैसी दिखाई दें तो बिला ताहिर एरिन फोर्ट मतासर बर्ड का जज्व बदन बनाएँ यदि सेहतियाबी के लिए दवा जिसम में दाल करें चाहे पानी में शामिल करके पी तैयार शुदा या घरेलू गज़ा में शामिल करके खिलें या बजरिया सरिंच अगर मुतासर परिंदे आठ घंटों में दो लीटर पानी पी सकते हैं तो इस दो लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में एक टैबलेट एरिनक फूड शामिल करें और उतनी देर तक पानी में रहने दें जब तक मुकम्मल हल पजीर ना हो हल पजीरी के लिए पानी को नीम गर्म भी कर सकते हैं जैसे ही गोली मुकम्मल हल हो अच्छी तरह से पानी में शामिल हो जाए मिक्स हो जाए तो ये दवा मिला पानी मतसरा चिकन को पीने के लिए दें रोज़ाना आठ घंटे लगातार चार दिनों तक इसी तरह से पानी और दवा का अमेज़ा परिंदों को पिलाकर उन्हें सेहत याब करें या फिर एरिनेक फोर्ट गोली इस तरह से बारीक पीस लें पाउडर बना लें और दो लीटर साफ़ सुथरे पानी में तसली बख्श मिक्सिंग के बाद परिंदु को बतौरे बतौर मतबादल आप एरिनेक फोर्ट गोली का पाउडर एक वक्त की ग़ा में शामिल करके भी मतरा जानदारों को खिलाकर उन्हें सेहतियाब कर सकते हैं लगातार चार दिनों तक रोजाना पहली गज़ा में फोर टैबलेट शामिल करके नज़ला ज़ुकाम बुखार फ्लू दर्द की अलामात की शद्दत में कमी ला सकते हैं आपके पास मौजूद फलाक किसी भी वजह से दरकार जिस्मानी ज़रूरत की नस्बत कम पानी पिए तो जिसम के अंदर हल्के पैमाने पर पानी की कमी और मुख्तलिफ अज़ा में खुशकी होने लगती है दर्जा हरारत का मुखसर दुरानिया के लिए अचानक से कम हो जाना या हद से ज़्यादा बढ़ जाना चिकन्स के निजाम तनाफ़ के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इन्फेक्शन पैदा कर देता है जिससे परिंदे बुखार और मिलते जुलते दीगर मसाइल का शिकार नज़र आते हैं फिर फिलफोर चिकन्स का मदाफ़ती निज़ाम एक्शन में आकर उन जरसूमों को इन्फेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करता है जिनकी वजह से परिंदे मुतासर हुए होते हैं कुछ जानदारों का मदाफ़ती निज़ाम ज़्यादा मजबूत होने और इन्फेक्शन की शिद्दत कम होने की वजह से वो जल्द सेहतियाब नॉर्मल हो जाते हैं जबकि कुछ जानदारों के कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम और इन्फेक्शन की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस इन परिंदों में बुखार और दीगर मसाइल ना सिर्फ तवील होते जाते हैं बल्कि अंदरूनी जिस्मानी अज़ा पे मनफी असरात मरतब करके उनकी ख़राब कारकर बास बनते हैं दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए या स्लो रफ्तार से बढ़े तो सेहत के मुतासर होने के इम्कान कम होते हैं जबकि तेज़ी से टम्परेचर में कमी या ज़्यादती इन दोनों सूरतों में बुहार में मुबतला होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं यही वो मुकम्मल साइंस है जिसे अच्छी तरह से समझ कर आपने अपने पास मौजूद बेजुबानों की मदद करनी होती है बुखार में मुबतला जानदारों में जितना जल्दी हो सके बुखार की वजह तलाश करें और दवा के साथ साथ देखभाल में भी बेहतरी लाएं। बहुत ज़्यादा ठंडा या हद से ज़्यादा गर्म पानी मौसमियाती तनाव खराब मस्कन बीमारियां पैदा करने वाले जरसों में और दर्जा हरारत की बार बार कमी बेशी या हद से ज़्यादा उतार चढ़ाव जानदारों के जिसमानी दर्जा हरारत में इजाफा का बास बनते हैं और इसी जिसमानी टेम्परेचर में इजाफा को हम बुखार का नाम देते हैं मतसर परिंदे बुखार की कैफियत का शिकार होने के बाद कुछ इस तरह की अमत जाहिर करते हैं खाने पीने में कम दिलचस्पी लेना हरारत या धूप वाली जगह पर ज़्यादा वक़्त गुजारना उखड़े हुए पर गर्दन को परों में छुपाना कदरे तेज़ साँस लेना दिन बदिन कमज़ोरी पतली बीठें और बाज़ात हलक से गैरमूली आवाज़ों का निकलना आप कलगी को हाथ में पकड़कर या पंजे उल्टे हाथ पर रख के या थर्मामीटर की मदद से भी तश्ीस कर सकते हैं कि जानदार की जिस्मानी हालत नार्मल है या फिर इसे बुखार है सफाई सुथराई जरासीम कुशी और बायोसिक्योरिटी के हवाले से मोहतात रहें अपना ख्याल रखें व रहमतुल्लाहि व बरकातहू